हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोलकाता रेस्टोरेंट स्टाइल मटन फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत कम मसालों में इतनी ज़बरदस्त मटन फ्राई यहां पर बनकर तैयार होती है। और जब आप इसे खाएंगे तो कहेंगे वाकई रेस्टोरेंट से इसका टेस्ट कम नहीं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो मेरी रेसिपी को एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन लिया है और इसकी पीसेस छोटी छोटी होनी चाहिए, बोनलेस है और थोड़े चर्बीदार भी होने चाहिए। इसे मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है और इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होनी चाहिए। एक प्याज लिया है, इसे मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया है और यहाँ पर एक छोटी चम्मच पपीता है जिसे मैंने कूट लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लेंगे, 4 से 5 सूखी मिर्च टूटी हुई, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 तेजपत्ता, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 जावित्री फूल, 4 से 5 लौंग इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। इन सब चीज़ों को हमें मटन के अंदर ऐड कर देना है। मटन के अंदर ऐड करने के बाद इसे हम कुकर में ऐड कर देंगे। कुकर में ऐड कर दिया है, इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे वरना इसे सुखाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और मसाले भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो 1.5 कप ही पानी ऐड करेंगे। 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे कवर करके हाई फ्लेम पर 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। 2 छोटे साइज़ का प्याज लिया जिसे स्लाइसेस में काटा है, बड़े साइज़ का प्याज है तो 1 लेंगे। और यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच दही लिया, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लेंगे, 1 छोटी चम्मच रोज़ वाटर, 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर, 3 से 4 ड्रॉप मीठा मलाई इतर लेंगे। तो यहाँ पर स्टीम निकल गई है और मटन हमारा गल चुका है। तो यहाँ पर मटन की पीसेस को अलग कर लेंगे और इसके मसाले को निकाल कर यखनी को छान लेंगे। मसाले हमें नहीं चाहिए तो इसे मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मटन के पीसेस को अलग कर लिया है और इसकी यखनी को अलग कर लिया। अब इसे बनाना शुरू करेंगे। पैन के अंदर 3 से 4 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया, प्याज को ऐड करेंगे, चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गई, अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करेंगे, 2 मिनट सॉटे करेंगे। दो मिनट हो गया अदरक लहसुन को सॉटे करते हुए, पाउडर मसाले को ऐड करेंगे, 2 मिनट उसे भी भून लेंगे। दो मिनट हो गया मसाले को भूनते हुए, मटन के पीसेस को ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 2 मिनट के बाद इसके अंदर दही को ऐड करेंगे और दही को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। दो से तीन मिनट हो गया है गोश्त को भूनते हुए, फ्लेम को यहाँ पर हाई कर देंगे और सारी यखनी को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं 1 कप ऐड कर दूंगी। थोड़ा मिक्स करने के बाद जो आधा यखनी है उसे भी अभी ऐड कर दूंगी। और बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ, इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने सारी 1 कप यखनी को ऐड कर दिया है और इसे मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, बीच में चला लेंगे। तो 5 मिनट हो गया इसे हाई फ्लेम पर कवर करके पकते हुए, बीच में मैंने चलाया भी था, एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मटन फ्राई बन रही है। सारे मसालों को हमें बिल्कुल खुश कर लेना है, यानी कि इसके अंदर ज़रा से भी मसाले नहीं रहेंगे। और यहाँ पर मीठा मुगलाई इतर और रोज़ वाटर को मैं मिला दूँगी, मिलाने के बाद इसे चला लूँगी और चलाने के बाद फिर मैं इसे कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसे अभी हमें कवर करना है, फ्लेम को यहाँ पर हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन फ्राई हमारा बनकर तैयार है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सारा ऑयल ऊपर आ गया आप देख सकते हैं और बहुत मसाले भी नहीं हैं, बिल्कुल मसाले ड्राई हो चुके हैं। तो इसे मैं चलाने के बाद फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे मैं डिसआउट कर लूँगी। बहुत सिंपल और इजी तरीके से यहाँ पर मैंने मटन फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल कोलकाता रेस्टोरेंट स्टाइल है और इसे अदरक के जुलियन के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसे आप किसी के साथ सर्व करें, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगने वाली रेसिपी है।
और हर किसी को पसंद आने वाली रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले नहीं हैं। अगर मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।